हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गार्डन ज्ञान। थैंक यू। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पिटूनिया के सिंगल वैरायटी, डबल वैरायटी बोथ, उनका डे 10 से लेके 50 तक। आज नवंबर का 5 तारीख है, ठंड थोड़ा पड़ने लगा है और ये देखिए मैं पिटूनिया के सीडलिंग लाया हूँ नर्सरी से। काफ़ी हेल्दी सीडलिंग है, इनको अभी एज इनका 10 दिन हुआ होगा। ये ऐसे मिट्टी के पॉट में आते हैं, नीचे होल रहता है, उसको निकालने का एक ट्रिक होता है, उसे ऊपर से मत खींचिए, नीचे से ऐसे एक माचिस का एक स्टिक ले जाइए, ये आराम से निकल आता है। और इसी तरह मैंने इन सब को लगा दिया है, कुछ सिंगल वैरायटी है और मेरे कुछ डबल। ये सिंगल 5 रुपया करीब आता है और डबल 7 रुपया, लेकिन मुझे डबल बहुत अच्छा लगता है। इसका अपडेट्स मैं आगे आपको दूंगा। आज है नवंबर का 15 तारीख और सीडलिंग काफ़ी ग्रोथ कर गए हैं, देखिए अच्छा ग्रोथ है। अभी मैं इनको फीड करूंगा, ये है मेरा DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये 18:40 है। इसको आप दो दो दाना लेके सीडलिंग के दोनों तरफ दे देना है। देखिए बड़ा साइज का हो तो एक दाना भी देना से हो जाता है, ये काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसीलिए ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो आपको सीडलिंग को ये नुकसान पहुंचा सकता है और प्लांट के पत्ते जल सकते हैं। ये नज़दीक मत दीजिएगा, थोड़ा दूर। और इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ता है दोस्तों, इसमें से ही काम चल जाता है। इसी तरह दो दो दाने में दे दिया हूँ चारों ओर। और पिटूनिया के लिए आप लीजिए सैंडी सॉइल 70% और वर्मी कंपोस्ट 30%। वर्मी कंपोस्ट नहीं हो तो आप काउ डंग ले सकते हैं, पुराना वाला। और पिटूनिया को ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है। ये देखिए सब प्लांट पे मैंने ऐसे दे दिए हैं DAP के दाने, इनसे इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा और प्लांट जल्दी जल्दी बढ़ेगा और फ्लावरिंग भी जल्दी से करेगा। इसके अपडेट्स मैं आपको दिखाऊंगा। पिटूनिया को आप फुल सनलाइट पे रखिए, जहाँ पे 5-6 घंटे का धूप आता हो, ये जितना सनलाइट मिलेगा ग्रोथ इतना अच्छा आएगा। और ये फर्टिलाइज़र आप शाम को ही दीजिएगा, सुबह मत दीजिएगा, इवनिंग के टाइम ये देना है आपको। पहले लाइट वाटरिंग कर दीजिएगा और उसके बाद इसको दीजिएगा। नवंबर का 25 तारीख आ गया है और देखिए प्लांट में बर्ड्स भी आने लगे हैं। ये अभी और 10-12 दिन के बाद खिल जाएगा और ये ग्राउंड को कवर कर देगा चारों तरफ बढ़ के। इनको मैं अभी 5-6 घंटा फुल सन में रख रहा हूँ। आज दिसंबर का 5 तारीख है और देखिए पिटूनिया में ब्लूम आने लगे हैं, ये पिंक में है और ये रेड में वाइट स्ट्राइप, ये भी सेम लग रहा है। ये बहुत सारे वीड्स आ गए हैं, देखिए इन सारे वीड्स को निकालना पड़ेगा। ये डबल के वैरायटी हैं, इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, चारों तरफ शूट्स हैं। मैंने इनको कोई पिंचिंग नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक फैलता है, चौड़े से जगह में लगाना पड़ता है इनको, इसीलिए मैंने ऐसे टॉप में लगा दिए हैं। और ये हैंगिंग में बेस्ट रहता है, इसीलिए मैंने 2 प्लांट बाद में लाया और इनको हैंगिंग पॉट में दे दिया हूँ। इनको अभी 5-6 घंटा सनलाइट मिल रहा है और इनको मैं अभी मस्टर्ड केक का जो लिक्विड आपको बताया था उसको दे रहा हूँ, और इसमें कुछ भी नहीं दे रहा हूँ फर्टिलाइज़र अभी। ये ग्रोथ में काफ़ी मदद करेगा, मैं मेरे हर सीजनल में मस्टर्ड केक का यूज करता हूँ और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, ग्रोथ और बढ़िया कर देगा ये। अभी दिसंबर का 25 तारीख आ गया, देखिए पिटूनिया में बहुत सारे ब्लूम हैं। ये देखिए पूरा टॉप में जो लगाया था टॉप भर गया है और कितना एट्रैक्टिव
और कितना सुंदर फ्लावर है, ये देखिए चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये जो ओल्ड फ्लावर होते हैं जो खिल जाते हैं उनको आप हटा दीजिए, ये ग्रोथ में रुकावट करते हैं। और ये जगह जो खाली है ये भी भर जाएगा कुछ दिन में, मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा चारों तरफ नीचे के तरफ भी ये आ जाएगा, ये साइड में कवर कर देता है, इसीलिए हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा जो फ्लावर खिल जाए आप उसे निकाल लीजिए। कुछ लोग तो सीड पॉट भी बनने नहीं देते क्योंकि ये फ्लावर को कम कर देता है। मैं खाली डेड फ्लावर्स जो है उनको निकाल लेता हूँ, सीड पॉट रहने से भी चलता है। ये डबल वैरायटी है, ये थोड़ा लेट हो रहा है, देखिए कितना अट्रैक्टिव कलर है, पूरा गुलाब जैसा। इसके देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं चारों तरफ, ये खिलने से बहुत बढ़िया लगेगा। पता नहीं क्यों लोग इसे नहीं लगाते हैं, सिंगल वैरायटी ही लगाते हैं, लेकिन डबल देखिए सिंगल से भी बहुत अच्छा लगता है और इसके फ्लावर बहुत दिन रहता है, इसका कोई मुकाबला नहीं, पूरा गुलाब जैसा ही लगता है, भर के आता है। इसीलिए आप डबल भी लगाइए दोस्तों। ये था मेरे पिटूनिया के ऊपर वीडियो, डबल खिल जाए तो मैं उसका अपडेट्स आपको दूंगा। इसी तरह मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। नमस्कार।